दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डिसेक्शन हैंडल कैसे लगाते हैं पार्टी के अंदर झुरी मार के, ठीक है। तो ये हैंडल कैसे लगाते हैं, कटर मशीन से खांचा मार के, क्योंकि जो इसकी ये पट्टी रहती है ये प्लाई के अंदर जाएगी, तो उसको खांचा कैसे मारते हैं तो आपको बता दें, ये पार्टी है और इसके अंदर खांचा मार के लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है कटर मशीन को, तो ये कटर मशीन है तो इसका पहले तो ये गैज कम कर देना है, ताकि ये जितना ही हैंडल का पट्टी बाहर है उतना ही कटर मशीन का गैज कम कर देते हैं अपन। ये गैज एकदम कम किया है, जितना ये पत्ती बाहर निकला है उतना ही ब्लेड बाहर निकाला है, बरोबर। अभी गैज हो गया, अभी जो ये हैंडल के पीछे जगह है, जैसे जो अभी हैंडल की ये पीछे वाली जगह है, मतलब ये सब जो हैंडल ऐसा है, ये आगे की जगह होगी, ये पीछे की, जो पीछे की जगह है वो चेक करना है कितना एम एम है। अभी हैंडल के पीछे 8 mm जगह है वाली जगह है, हैंडल की जो पीछे वाली जगह है वो चेक करना है कि हैंडल की जगह पीछे वाली 8 mm है, बरोबर। हैंडल के पीछे जगह 8 mm है, ये पत्ती और इसके दोनों आजू बाजू में जगह है, तो बीच वाली ब्लेड के पीछे पीछे का भाग हैंडल का वहाँ पे 8 mm है। तो आपको क्या करना है, ये ब्लेड के पीछे 8 mm मार्किंग करना है, मतलब 8 mm पे मार्किंग करना है यहाँ पे, और इस दर से भी यहाँ पे इस साइड मार्किंग करना है 8 mm पे, ताकि वो हैंडल था। अब यहाँ पे एक ऐसे आपको पट्टी लेना है, पट्टी को दो हॉल गिराना है ऐसे, और गैज के ऊपर टाइट करना है, ये मार्किंग से सीधा लाइनिंग खींचने का है, पूरा लाइन खींचो। और अभी स्क्रू टाइट कर देते हैं आपको इस साइड से, ओके कर टाइट। अभी स्क्रू टाइट करना है ऐसा, ताकि ये ऐसी पट्टी बांध दी है आपको। अभी ये पट्टी लगने के बाद क्या करना है आपको, अभी ये गैज इतना ही बाहर रखना है। अभी ये सेंटर है, इस साइड तो पट्टी लगी हुई है, इस साइड पट्टी लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पे खांचा मारेंगे, तो जो फ्रंट का भाग है वो इस साइड रख के देखते हैं, और अभी खांचा मारना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कैसे करते हैं, दिखा देता हूँ कि देखो ये जैसे ऐसे खांचा मार दिया गया है अंदर, ये ऐसे खांचा मार दिया है। अभी जो हैंडल की ये पट्टी है, तो अभी इसको फ्रंट का भाग है, तो अभी ऐसे हैंडल को इसके अंदर डाल देते हैं। पीछे से रेवल रहना चाहिए, आगे की साइड ऐसे निकलेगा ही, ठीक है। तो पीछे से हमेशा रेवल रखने का, ये आ गया हैंडल लग गया, अभी आप देख सकते हैं ये हैंडल लग गया। चाहे जी सेक्शन हैंडल कैसा भी हो ऐसा ही लगता है, कौन सा भी जी सेक्शन हो या जी हैंडल हो उसको ऐसा झुरी मारना ही पड़ता है। तो आप कटर मशीन पे ऐसा ब्लेड बांध के हमेशा ऐसा ही काम कीजिएगा, ठीक है, बाय।